राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने अपने बचपन की याद को ताजा किया। तनखा ने कहा कि जबकि छुट्टियां मिलती थी अपने दादा दादी के पास रीवा आते थे। उनका जन्म रीवा में हुआ लेकिन कर्मभूमि जबलपुर रही है। ठीक है, रीवा तो मेरा घर है, यहाँ तो मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिताजी ने यहाँ वकालत की शुरुआत की थी, फिर जबलपुर चले गए थे, वहाँ जज बने, फिर उनका निधन हो गया था बहुत अल्पायु में। तो उसके बाद कर्मभूमि मेरी जबलपुर थी। बट हम लोग रीवा दादाजी या दादी जी के पास हर छुट्टियों में आते थे, सालों आए। तो हमको तो सिरमौर चौराहा याद आ रहा था जो रीवा का एक अंत होता था। हमने देखा कि रीवा सिरमौर चौराहे से कम इलाहाबाद रास्ते पे कई मीलों तक हमने बिल्डिंग्स देखी जो पहले नहीं थी। तो ये देख के समझ आया कि रीवा बहुत बड़ा शहर हो चुका है और खुशी हुई है देख के।